गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 5। आज क्लास का लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है, ठीक है। आप लोग मैथ्स किताब निकाल लीजिए, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5। तो ये है लेसन नंबर 5, जिसमें है ऑर्डर ऑफ नंबर, ठीक है। जिसको चैप्टर का नाम दिया गया है ऑर्डिनल नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ नंबर, जैसे कि आप क्लास में कहते हो ना, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, तो ये ऑर्डर बोल रहे हो कि आगे से हम सेकंड बेंच बोले तो आपने क्या किया, काउंटिंग किया, सबसे फर्स्ट, उसके बाद आता है सेकंड, फिर आता है थर्ड, फिर आता है फोर्थ, इस प्रकार से देखा होगा। तो उसी ऑर्डर को हमने यहाँ पर पढ़ना है। ऑर्डर पढ़ने के बाद उसकी पोजीशन देखनी है। जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, जो ब्लू शर्ट पहने हुए जो स्टूडेंट बच्चा है, उसका पोजीशन कितना है, तो आपका ये ब्लू पहना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो पोजीशन अगर निकालना है तो पहले हमें ऑर्डर ऑफ नंबर जानना पड़ेगा, किस प्रकार से हम ऑर्डर इसको लिखते हैं। तो आप काउंटिंग करते हो तो सिंपली 1 बोलते हो, फिर 2 बोलते हो, 3 बोलते हो, 4 बोलते हो, 5 बोलते हो, 6 बोलते, इस प्रकार से जाते हैं। लेकिन जब ऑर्डर की बात आती है तो हम बोलते नहीं हैं कि 2 उसका नंबर है, नहीं, वो सेकेंड बोलते हैं। पांचवा स्थान पर अगर है तो फिफ्थ बोलते हैं, छठे स्थान पर होगा तो सिक्स्थ बोलेंगे, इसी प्रकार से पहला स्थान पर होगा तो उसे हम लोग फर्स्ट के नाम से बोलते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ नंबर यही हो गया, इसका ऑर्डर हो गया फर्स्ट, इससे हो गया ऑर्डर सेकंड, इसका हो गया थर्ड, इसका फोर्थ, फिफ्थ, आगे भी होता तो उसे हम लोग सिक्स्थ लिखते, ठीक है। फिर अगर होता तो इसे हम लोग सेवेंथ लिखते। इस प्रकार से हमको जहाँ तक अगर जानी है वहाँ तक हम इसे लेके जा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ नंबर वो उसको शो करता है, उसकी पोजीशंस को। जैसे हम बोलते हैं पिंक जो ड्रेस पहनी हुई है जो लड़की, उसकी पोजीशन कितना है, तो हम बोल सकते हैं ना कि उसकी पोजीशन कितना है, फोर्थ। यहाँ पर हम मान लो ये कह दें कि सारे बच्चे रेस में पार्टिसिपेट किए थे, जिसका फिनिश था यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट में ये यहाँ पर पहुँच गया तो बोलेंगे ये फर्स्ट आया। तो पिंक वाले का स्थान कितना रहा, उसकी पोजीशन क्या है, कितना पोजीशन पे वो आ पाया, तो उससे अगर देखेंगे तो ये तो नहीं, तो पास्ट हो गया, फर्स्ट तो पिंक नहीं है, पिंक यहाँ पर आया तो काउंट करेंगे ना, तो सेकेंड पोजीशन इसका भी नहीं, थर्ड भी नहीं आया, हाँ इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 4। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ नंबर अगर जान लेंगे तो पोजीशन निकाल भी सकते हैं कि उसकी पोजीशन कितनी आए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे अभी इनवर्ड्स में पढ़ने के लिए सीखेंगे, किस प्रकार से हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे अगर नंबर है 1 तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट, और लिखने का तरीका है फर्स्ट ऐसे 1 लिख दो, सॉरी हाँ यहाँ पर 1 लिख दी, मान लिया जाए तो 1 लिखने के बाद ST लिख देंगे तो हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड लिखना है तो 2 लिख करके ND लिख दीजिए,
सबको हो जाएगा सेकेंड। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ नंबर देखते हैं। तो लिखने तरीका आपको पढ़ने का भी है, जब आपका पहला स्थान पर होगा तो फर्स्ट, दूसरा स्थान पे होगा सेकंड, तीसरा स्थान पे होगा थर्ड, फोर्थ, चौथा स्थान पे होगा फोर्थ, फिफ्थ वाला फाइव में होगा तो फिफ्थ, सिक्स वाला में होगा सिक्स, सेवन होगा सेवन। आपको ये वाला पूरा चार्ट याद करके आनी है। एट होगा तो एट, मतलब सब में आपको टी एच लगाना है। टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, इस प्रकार से आपको ये पूरा याद करके आना है, कल आपको इसे सुना जाएगा। तो ऑर्डिनल नंबर यही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ। तो इस प्रकार से आप इसको क्लियर करेंगे। तो आपको इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आपको ऑर्डिनल नंबर याद करना है, किस प्रकार से आप याद करते हो। वन, वन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट। टू रहेगा तो क्या बोलेंगे, सेकंड। थ्री रहेगा तो क्या बोलते हैं, थर्ड। फोर होगा तो फोर्थ, इसी प्रकार से आगे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चंस बनाना है। डू इट योर सेल्फ, मतलब आपको इसे बनानी है। सबसे पहला है, फर्स्ट में है कि कलर द सेवेंथ बनाना। तुमको सेवेंथ बनाना, सेवन और सेवेंथ दोनों में अंतर है, और भी किससे कलर करना है, येल्लो से। ठीक है, किसको करना, सेवेंथ। सेवेंथ का मतलब अंत, लास्ट में क्या लगवा, टी एच। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले काउंटिंग करोगे, काउंटिंग करोगे, जो सेवेंथ बार में आएगा वही, उसी को सिर्फ कलर करना है, सबको नहीं। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो इसको हमको यहाँ पर कलर करनी है, ठीक है। तो ये इसको कलर करना था, ये सभी को कलर नहीं करना था, सिर्फ सेवेंथ को कलर करना था। इसी प्रकार से कह रहा है कि फर्स्ट वाले बस को रेड से कलर करो। तो फर्स्ट वाला बस कौन है, ये कि ये, तो ये है, इसको रेड से कलर करनी थी। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं आगे में, तो यहाँ पर कलर द फिफ्थ बैलून विथ ब्लू, ब्लू से कलर करना है फिफ्थ बैलून को। तो काउंट कीजिए, वन, टू, थ्री, फोर, फिफ्थ। तो सिर्फ इसको कलर करना है बाबू, सभी को नहीं करना था, ठीक है। इसी प्रकार से कलर द सेवेंथ बेल, जो हम यहाँ पर सेवेंथ बेल होता है, जो सातवां पोजीशन पर आएगा, उसको ऑरेंज कलर से हमें कलर करनी थी, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो इस वाले को हमें कलर करनी थी, सिर्फ इसी को। इसी प्रकार से कहता है कलर द फोर्थ फ्लावर विथ पिंक, पिंक से करना है फोर्थ फ्लावर को। तो फोर्थ कौन है, वन, टू, थ्री, फोर्थ ये वाला, तो इसको हमें कलर करना है पिंक से। तो पूरा पूरा तो आप लोग कर लोगे। तो जिसे कहा गया है उतना ही स्थान पे उसी को कलर करना है, एक्स्ट्रा कलर नहीं करना था। जैसे यहाँ पर कहता है कलर द सिक्स्थ कैंडल विथ ग्रे, ग्रे से करना है सिक्स को, एंड नाइन्थ कैंडल को ब्लू से। तो पहले ग्रे देख लेते हैं सिक्स से करके,
इसमें तो ग्रे कलर हम लोग बनाना पड़ेगा मान लिया जाए। चलिए ही हाँ, चलिए सिक्स कलर, सिक्स कैंडलों का करना था ग्रे से, तो 1 2 3 4 5 6 इसको ग्रे से करना था, हमने ग्रे से मान लिया जाए कर दिए। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाइन्थ को करना है ब्लू से, नाइन्थ को ब्लू से, तो सिक्स तो यहाँ पर हो गया, 7 8 9, और नाइन को कैसे करना था ब्लू से, ठीक है। इसी प्रकार से करा, कलर द सेकेंड कैप्सिकम विथ ग्रीन कलर, ऐसे सेकेंड वाले को किससे करना था ग्रीन से करना था, तो सेकेंड कौन है फर्स्ट, सेकेंड ये वाला, तो इसको ग्रीन से करना था, इसको हम लोग ग्रीन से करते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखा गया कलर करने का, ऑर्डर ऑर्डर करने का, कि कौन से नंबर को मतलब किस प्रकार से ऑर्डरिंग करते हैं। तो तरीका क्या हुआ, तो सबसे पहले एक वन रहेगा तो उसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, दो रहे टू रहेगा तो सेकेंड बोलते हैं, थ्री होगा तो थर्ड बोलते हैं, फोर होगा तो फोर्थ बोलते हैं। इस प्रकार से हम आगे की ओर लिखते चले जाते हैं। अब आपको पोजीशन बताएं ना कि पोजीशन क्या है, जो आपको संख्या है वही पोजीशन है, जो नंबर है वही पोजीशन है यहाँ पर। तो आपको फील करने करना था कलर के हिसाब से, कि जो काइट सब बनाए गए हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर एक तरह के काइट एक ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वायलेट की बात किया जा रहा है, वायलेट मतलब बैगनी होता है, कौन कौन से हैं, तो आपको वायलेट आपको फर्स्ट और सिक्स दिया गया है, कि फर्स्ट और सिक्स जो है ये आपको वायलेट कलर का है। तो बताइए कौन कौन से है जो ग्रीन कलर का है, तो अब ग्रीन को देखिएगा तो आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, ये वाला यही तो ग्रीन के जैसा है, तो बोलेंगे थर्ड काइट और एट्थ, तो थर्ड एंड एट्थ ये दोनों कैसे हैं ग्रीन। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा काइट है जो रेड है, तो रेड की बात करेगा कौन सा काइट है, तो रेड में हमें ये नज़र आ रहा है, तो फोर्थ और नाइन्थ, तो फोर्थ एंड नाइन्थ काइट्स आर रेड। इसी प्रकार से अगर हम देखें ऑरेंज के बारे में, तो कौन कौन से है यहाँ पर ऑरेंज, तो यहाँ पर जब हमने देखा कि पहले एक मिनट हम लोग ये देख लिए, हम लोग थर्ड और एट्थ भी देख लिए, हम लोग फोर्थ और नाइन्थ देख लिए, अब आता हमारा ऑरेंज पर, तो ऑरेंज हमारा कौन से है, तो ऑरेंज देख लेंगे तो ऑरेंज हमारा सेकेंड आएगा, और कौन आएगा सेवेंथ, तो बोलेंगे सेकेंड और सेवेंथ काइट्स ऑरेंज हैं। अब जो बचे गया आपको ब्लू, तो ब्लू में आपको देखोगे तो आपका फिफ्थ और टेंथ आ जाएगा, तो ये दोनों कलर आपको ब्लू कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे फिल करनी थी कि किसका पोजीशन कहाँ पे है, कौन कौन से काइट के कौन कौन से कलर का था। अब आपके इस क्वेश्चंस में देखना ये है कि कितना पोजीशन पे कौन है, आपका यहाँ पर नाम दिया गया है, उस नाम को ध्यान देना है। इसमें नाम आपका यहाँ पर बीम होगा लिखल, BIM। थोड़ा सा इसे हम नीचे और करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सॉरी सीम लिखा हुआ है, यहाँ पर बीम लिखा हुआ है, डीम लिखा हुआ, नाम है चिड़िया का, ये बहुत सारे चिड़िया हैं, 10 चिड़िया हैं, दसों का नाम है कि कौन कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आपका सबसे पहले लिखना है कि राइट
पोजीशन लिखना है वर्ड्स का जो आपको ऊपर में दिया गया है। जैसे बीम का पूछा तो बीम आप खोजेंगे ना कि बी आई एम कहाँ लिखा हुआ है, ये तो एस आई एम है, नहीं चलेगा। हाँ बी आई एम यही था, तो आपको बी आई एम जैसे ही देखने को मिला तो आप इस बी एम को देखें तो काउंटिंग कीजिएगा, तो यहाँ पर वो कितना है सेकेंड। तो इससे हम लोग कैसे लिखते हैं सेकेंड ऐसे नंबर में, और एस ई सी ओ एन डी सेकेंड यहाँ से, ये हम कहाँ से देख पाए? तो ये सेकेंड का स्पेलिंग है ये हम लोग यहाँ से क्लियर किए थे कि फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकेंड को ऐसे लिखा जाए, था ना इस प्रकार से, फर्स्ट को यहाँ सेकेंड को इसी प्रकार, थर्ड लिखने का तरीका था ये सब, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। तो इसी का हेल्प लेकर के हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे, ठीक है, कि कौन से किसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो अगला है आपका डीम, डीम थोड़ा सा देखो कहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा डीम यहीं पे लिखा हुआ है, तो इस डीम पे थर्ड, तो थर्ड हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा टी एच आई आर डी थर्ड, और थर्ड हम लोग ऐसे लिखते हैं। जिम आपको से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तो एस से है तो हमको जे से लिखना, बीन है, डीम है, रीम है, किम है, कैसे है, तो जे आई एम कहाँ छे यहाँ पर है। कितने पोजीशन लिखी गई इसके पास, सिक्स, तो हमें इसके पास लिखनी लिखना चाहिए कि पोजीशन इसका हो जाएगा सिक्स। हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो एस आई एक्स टी एच, इसी प्रकार से हम किम का देख सकते हैं, लीम का देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे को जो भी लिखा रहेगा, पीम है तो पीम को देख लेंगे, एट्थ है तो एट लिख देंगे, तो देख करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्लियर कर लिए। अब आपका ये टेस्ट है, आपको ये होमवर्क में क्लियर करके आना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लेसन फाइव भी क्लियर कर लेते हैं। तो आपका ये टेस्ट आपको होमवर्क में है, इसको बड़ा में देख पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करना है, ठीक है। पॉज करके आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। बना कर के लाना है और घर पे पढ़ते रहिए, बड़ों के बात मानिए, ठीक है। आगे, थैंक यू।